हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी ते। हाँ जी साथियों, आपां वार्ड अटेंडर दे पेपर लई होम बेस्ड केयर अते होस्पिटल बेस्ड केयर बारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स करांगे जिहड़े कि एक चंगे वार्ड अटेंडर नूं पता होने चाहिए हैं। हाँ जी फ्रेंड, ये जिहड़े नोट्स मैं तुहानूं करा रहा, इन्हां विचों ही क्वेश्चन तुहानूं पेपर विच वेखण नूं मिलणगे। हाँ जी, ये इस सीरीज़ का सैकेंड पार्ट हैगा है। इस तो पहला इसका फस्ट पार्ट अपलोड है, जेकर तुसी वो पार्ट नहीं वेख्या तो अज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तुहानू उसका लिंक मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसी वो पार्ट जरूर वेखना जी। नाले इन्हां नोट्स की PDF तुहानू जल्द ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो। हाँ जी, अपना नैक्सट पॉइंट दिता हुआ है नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज़, यानी कि अछूत दे रोग। हाँ जी, ये रोग होंगे ने, ये उपार्जित रोग है अते ये एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति नू नहीं हुंदे। फिर तो रिपीट कर देने, अछूत दे रोग ये उपार्जित रोग है अते ये एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति नू नहीं हुंदे। चलते हैं जी नैक्सट पॉइंट वल। हाँ जी, अपना नैक्सट पॉइंट दिता हुआ है एंटीबॉडीज़, यानी कि प्रतिरक्षी। हाँ जी, प्रतिरक्षी की हुंदे ने, जो पदार्थ शरीर विच रोगों नाल लड़दे हन अते साड़ी रोगों तो रक्षा करते हैं उन्होंने की कहा जाता जी, एंटीबॉडीज़ यानी कि प्रतिरक्षी। एग्जाम्पल के तौर पर WBC यानी कि वाइट ब्लड सैल। हाँ जी, इन्हों का की काम होंगे, ये साढ़े शरीर में रोगों नाल लड़ते हैं। चलते हैं नैक्सट पॉइंट वल। हाँ जी, नैक्सट पॉइंट दिता हुआ है रिसोर्सिज, यानी कि स्रोत। इसका की मतलब है, रोगी की देखभाल वक्ो वक्रिया चीज़ों की जरूरत होंगी है। जिमें उदाहरण के तौर पर, जेकर मरीज बिस्तर तो बैठन की कोशिश कर रहा है तो उसनों एक अलग तो सिरहाना दिता जाता है। हुण इत्थे सिरहाना जिहड़ा किहदा काम कर रहा जी, एक स्रोत का काम कर रहा। सैकेंड एग्जाम्पल नाल समझते हाँ, जेकर मरीज नू महंगी दवाई खरीदन की जरूरत है तो पैसे हैगे जिहड़े वो किहदा काम कर रहे हैं, स्रोत दे। हाँ जी, अपना नैक्सट पॉइंट हैगा है, वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, रैफरल, किसी मरीज या रोगी नूं सलाह दे लई किसी एक्सपर्ट कोल भेजना। हाँ जी, फिर तो रिपीट कर देने, किसी मरीज या रोगी नूं सलाह दे लई एक्सपर्ट कोल भेजना, जिस विच उसकी देखभाल ते इलाज किया जाएगा। हाँ जी, उन्हूं की कहिंदे ने, रैफरल। नैक्सट पॉइंट हैगा जी एम्बूलेटरी, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा। जदों कोई बीमार व्यक्ति बिस्तरे तो उठन दे योग हुंदा ते वो बिना किसी की सहायता ले तुर फिर सकता है, उसनों की कहा जाता जी, एम्बूलेटरी। यानी कि कोई मरीज हैगा वो बिस्तरे तो उठ फिर के इधर उधर जा सकता है, यानी कि बाथरूम वगैरह कर सकता है, तो उसनों किसी की सहायता की लोड़ ना हो तो उसनों की कहा जाता जी, एम्बूलेटरी। नैक्सट पॉइंट वाल चलते हैं। नैक्सट हैगा जी त्रुटि रोग, यानी कि डेफिशेंसी डिजीज़। उचित मात्रा विच अते संतुलित आहार ना मिलने के कारण होने वाले रोगों को की कहा जाता जी, त्रुटि रोग। नैक्सट पॉइंट वाल चलते हैं। नैक्सट पॉइंट हैगा जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण। हीणता जनित रोगों तो पैदा हुई स्थिति नूं कुपोषण कहते हैं, जो घट भोजन अते असंतुलित भोजन कारण हुंदा है। फिर तो रिपीट कर देने जी, माल न्यूट्रिशन की हुंदा जी, कुपोषण। हीणता जनित रोगों तो पैदा हुई स्थिति नूं कुपोषण कहा जाता है, जो घट भोजन अते असंतुलित भोजन कारण हुंदा है जी। चलते हैं नैक्सट पॉइंट वाल। नैक्सट पॉइंट हैगा जी एलर्जी, ये भी वेरी इंपोर्टेंट हैगा। इस रोग विच किसी एक व्यक्ति विच किसी विशेष पदार्थ के प्रति संवेदनशीलता पैदा हो जाती है, उन्हें की कहा जाता जी, एलर्जी। हाँ जी, नैक्सट पॉइंट दिता हुआ है कॉन्विलेशंस, इनका की मतलब हुंदा जी, संजोग। जदों कोई बीमार व्यक्ति बीमारी तो ठीक हो रहा होवे जां पहला तो बेहतर हो रहा होवे उसनों की किया जाता जी, कॉन्विलेशंस। नैक्सट पॉइंट वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, की हैगा जी, रीहैबिलिटेशन। इनका की मतलब हुंदा है, पुनर्वास, यानी कि रोगी जां बीमार व्यक्ति नूं वापस उसकी पहली वर्गी सेहत वल लियाउणा। उदाहरण के तौर पर, जिमें किसी व्यक्ति के लत च फ्रैक्चर हो गई है तो वह बिस्तर से पिया सी पर हुण वह तुर फिर सकता है, तो उसनों की कहा जाता जी, रीहैबिलिटेशन, यानी कि पुनर्वास। ये पॉइंट है जिहड़ा वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, तुहाडे एग्जाम के लिए। नैक्सट पॉइंट वाल चलते हैं।
हाँ जी, नैक्सट पॉइंट दिता हुआ है टर्मीनली यानी कि आखिरी पड़ा। हाँ जी, जदों कोई व्यक्ति किसी घातक बीमारी कारण आखिरी पड़ा विच होवे यानी कि अपनी लास्ट स्टेज विच होवे तो उसनों की कहा जाता जी टर्मीनली। समय के बीतन नाल उसकी मौत भी हो सकती है, उदाहरण वजो जिमें कि कैंसर का मरीज हो गया। नैक्सट पॉइंट वाल चलते हैं जी। हाँ जी, अपना नैक्सट पॉइंट हैगा जी हेरिडिटरी डिजीज़ यानी कि अनुवंशिक रोग। ये रोग माता पिता तो संतान विच आ जाते हैं। हाँ जी, जड़े अनुवंशिक रोग होंगे ने ये रोग माता पिता तो उसकी संतान विच चले जाते हैं। नैक्सट पॉइंट हैगा जी टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। रोगों की रोकथाम लई टीका लगाने की कहते हैं टीकाकरण, ये रोकथाम का एक वधिया तरीका है। चलते हैं जी नैक्सट पॉइंट वाल। नैक्सट पॉइंट हैगा जी पाली एक्टिव केयर यानी कि उपचारी संभाल। हाँ जी, की होंगी है जी पाली एक्टिव केयर? रोगी नूं अंत विच दर्द अते चिंता तो छुटकारा पाउण लई दित्ती गई देखभाल उसनों की कहा जाता जी पाली एक्टिव केयर। हाँ जी, ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी तुहाडे एग्जाम दे लई। नैक्सट पॉइंट वाल चलते हैं जी। हाँ जी, अपना नैक्सट पॉइंट हैगा होस्पाइस। होस्पाइस इहदा की मतलब हुंदा जी? वह जगह जिथे रोगी नूं उसके आखिरी पड़ाव विच उसकी देखभाल दित्ती जांदी होवे यानी कि वो थां जिथे रोगी का जिवें आखिरी पड़ाव होवे जिवें कि वह मरण वाला होवे किसी घातक बीमारी के कारण तो उसकी देखभाल की जाती जी इस थां ते उसनों की कहा जाता है होस्पाइस। फिर तो डेफिनेशन पढ़ लेंदे आ, वह जगह जिथे रोगी नूं उसके आखिरी पड़ाव विच उसकी देखभाल की जाती है। इत्थे व्यक्ति नूं एक शांतिपूर्वक वातावरण विच उसकी मौत तक देखभाल दित्ती जांदी है जी, तो उसनों की कहा जाता है होस्पाइस। हाँ जी, अज्ज दी वीडियो इत्थे समाप्त करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक करियो ते ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों के नाल इस वीडियो नूं शेयर करियो तां जो तुहाडे लई मैं जल्द तो जल्द इसका नैक्सट पार्ट भी लेके आवां। फ्रेंड, जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार विजिट किया है, पहली बार साडी वीडियो वेख रहे हो तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लियो ते नाल लगे बैल आइकन नूं भी प्रेस करना जिस दे नाल तुहानूं साडी हरेक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो 'च। उदों तक दे लई टेक केयर।